ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मायोपिया की पूरी कहानी वापस। ठीक है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है? नियर साइटेडनेस। ठीक है ना, हम दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारा जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मायोपिया के दो रीजंस होते हैं। मायोपिया के कितने रीजंस होते हैं? दो। दो। पहला, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। जब आई बॉल थोड़ी सी खिंच जाती है, लंबी हो जाती है, तो रेटिना और हमारा जो आई लेंस रहता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है, तो जो हमारी लाइट रेज रहती है वो रेटिना के पहले ही कन्वर्ट हो जाती है। जो हमारी क्या रहती है, रेज रहती है, वो रेटिना के पहले ही कन्वर्ट हो जाती है। और दूसरा, डिक्रीज इन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो लाइट जल्दी कन्वर्ट होगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो लाइट दूर कन्वर्ट होगी। आ रही है बात समझ में? तो हम लोग बोलते हैं कि मायोपिक आई में जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है उसकी लेंस क्या होती है? उसकी जो इमेज रहती है रेटिना के पहले ही बन जाती है। ठीक है, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ठीक है ना, ये दो रीजंस रहते हैं। आपको क्या यूज करना पड़ता है? कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ता है सूटेबल पावर का। सूटेबल पावर कैसे निकालते हैं? यू को लेते हैं, इंफिनिटी वी को, जो भी हम लोग को क्वेश्चन में देकर रखा होता है, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं हमारे पास। क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। और क्योंकि फोकल लेंथ क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगा, तो हम लोग अगर 1/f करेंगे तो मेरे पास p की वैल्यू भी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? यहाँ पर तुम्हारा मायोपिया वाला पार्ट क्या होता है? खत्म तो होता है। अब हम लोग समझते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब हाइपरमेट्रोपिया जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फार साइटेडनेस, मतलब दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं नहीं दिखता। दिखता। ऐसा सही है। ठीक है, तो अब हम लोग किसकी कहानी स्टार्ट कर रहे हैं? हाइपर मेट्रो मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया का दूसरा नाम होता है फार साइटेडनेस। क्या होता है? फार यूनिफॉर्म साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब क्या? दूर का दिखेगा पास का नहीं। नहीं दिखेगा। चलो, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हमको दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता, यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लोग आंखों के पास रखेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे? आंखों के पास रखेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को आंखों के पास रखेंगे तो जो रेज आएगी वो पैरेलल नहीं आती। जो रेज आती है वो पैरेलल नहीं आती, उनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा डाइवर्जिंग होता है, इस तरीके से आता है। पास के ऑब्जेक्ट से रेज कैसे आती है? ऐसे आती है। ठीक है, और ये रेटिना पे आकर क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है? मेरी नॉर्मल आय। ये क्या है? मेरी नॉर्मल आय। अब अगर मुझे हाइपर मेट्रोपिया हो गया, अगर मुझे हाइपर मेट्रोपिया हो गया तो जो मेरी इमेज रहेगी वो रेटिना के पीछे बनेगी। जो मेरी इमेज रहेगी वो रेटिना के पीछे बनेगी, यानी कि ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। यहां से रेज निकलकर कहाँ एंटर करेगी? मेरी आंखों में एंटर करेगी। ठीक है ना, क्योंकि आई डिफेक्टिव है तो जो इमेज को कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पे बनना चाहिए। वो इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना के पीछे बनेगी। एरो नहीं बनाओगे तो 0 मार्क्स आएंगे। ये क्या है? मेरी डिफेक्टिव आय या फिर हाइपर मेट्रोपिक आय। ये क्या है? मेरी हाइपर मेट्रोपिक आय। अब क्योंकि रेस क्या हो रही है? रेस जल्दी नहीं मिल रही बल्कि लेट मिल रही है, यानी कि इसका कन्वर्जिंग पावर क्या हो गया है? कम हो गया है। ये लेट कन्वर्ज कर रहा है, इसको कन्वर्जिंग में क्या चाहिए? हेल्प चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? एक कन्वेक्स लेंस लगाएंगे जो आती हुई रेस को पहले क्या कर देगा? थोड़ा कन्वर्ज कर देगा। आती हुई रेस को क्या करेगा? थोड़ा
कन्वर्ज कर देगा, सो दैट मेरे आई लेंस को कन्वर्ज करने में कम मेहनत लगे। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में करेक्शन कैसे होता है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसमें से डाइवर्जिंग लाइट रेज आ रही होगी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, लाइट रेज को थोड़ा सा कन्वर्ज ऑलरेडी करके दे देगा, किसको, हमारी आई लेंस को। तो अब आई लेंस के लिए आसान होगा इन रेज को कहाँ कन्वर्ज करना, रेटिना पे कन्वर्ज करना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अब क्योंकि आपको पास का सही से नहीं दिख रहा है, पास का सही से ना दिखना मतलब ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो आपकी जो इमेज है ना आपको 25 सेंटीमीटर पे क्लियरली नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा दूर करके पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपको क्या दिखेगा, क्लियरली दिखेगा। तो ऐसे में आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऐसे में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u कितना होगा, -25, u कितना होगा -25, v कितना होगा, जो भी वैल्यू हमको क्वेश्चन में देकर रखी, लेकिन वो क्या होगी हमेशा मोर देन 25 होगी, ये जो वैल्यू होगी उसका वैल्यू कितना रहेगा, मोर देन 25। अरे ये बात समझ में, ठीक है। फिर मेरा लेंस फॉर्मूला लगेगा 1/f = 1/v - 1/u। जब इसको सॉल्व करोगे कौन सी वैल्यूज देकर, 1/f = -1/2 क्वेश्चन में, -1/-25, तो तुम्हारा जो f का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये पॉजिटिव चीज क्या डिनोट करती है, कि जो हम लोग लेंस यूज करेंगे वो कौन सा होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, जिसकी पावर क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। नेगेटिव क्यों आएगा, उसका एक रीजन है कि ये जो वैल्यू होगी ना बेटा हमेशा ये 25 से ज्यादा होगी। अब ये चीज नेगेटिव में रहेगी और ये माइनस ऑफ -25 क्या हो जाएगा, +25। तो ये जो चीज है, सपोज ये 30 भी होता तो मेरी इक्वेशन क्या बनती, -1/30 + 1/25, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 1/25 बड़ा है, एलसीएम लेंगे तो भी 1/25 बड़ा है ना देन 1/30, तो क्योंकि ये बड़ा है तो आंसर जो रहेगा मेरा पॉजिटिव में ही आएगा, माइनस प्लस उस हिसाब से इधर पे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब एक बार हाइपरमेट्रोपिया नोट्स में से देखें पूरी कहानी, देखो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइटेडनेस होता है, ठीक है ना। हम लोग को दूर के ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखते हैं लेकिन पास के ऑब्जेक्ट जो कहाँ रखे हुए, 25 सेंटीमीटर पे रखे हुए, वो सही से नहीं दिखते हैं। उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट को क्या रखना पड़ेगा, 25 से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, 30 पे रखो, 35 पे रखो, 40 पे रखो, 100 पे रखो, ठीक है ना। तो ऐसे में कंफर्टेबली अगर आपको कुछ रीड करना है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आंखों से क्या रहना पड़ेगा, 25 से ज्यादा रहना पड़ेगा। क्या दो कॉजेज होते हैं, फोकल लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या फिर आई बॉल बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, और इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है, ताकि जो फोकल लेंथ हमारी सही नहीं है वो क्या हो जाए, दूसरा लेंस इसको फोकस करने में क्या कर दे, हेल्प कर दे। इज दैट क्लियर।